वेलकम टू हिंदी क्लास। आज मैं ग्रामर में वाक्य विचार पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। आज मैं विशेष रूप से रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य विभाजन मुख्य दो आधारों पर किया जाता है, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। आज मैं आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताऊंगी। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब मैं एक एक करके इसको उदाहरण के साथ बताऊंगी। पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है उसे कहा जाता है सरल वाक्य। यहाँ है उदाहरण, मोहन पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन है कर्ता और पढ़ता है क्रिया। तो मोहन पढ़ता है, ये वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा वाक्य, पुलिस ने चोर को पकड़ा। इस वाक्य में पुलिस ने कर्ता है, चोर को पकड़ा क्रिया है। पुलिस के द्वारा, कर्ता के द्वारा चोर को पकड़ने का काम किया जा रहा है। तो कर्ता के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, काम की जाती है, उसे क्रिया कहते हैं। तो सरल वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होता है। यहाँ और भी उदाहरण नीचे दिए गए हैं। राम घर आकर भोजन किया, यह है सरल वाक्य का उदाहरण। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, यह है सरल वाक्य का उदाहरण। अगला उदाहरण, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। चौथा, आज मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो यहाँ जितने भी वाक्य लिखे गए हैं ये सभी वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी संयुक्त वाक्य के बारे में। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है दो वाक्यों को जोड़ना। तो मैं बताऊंगी संयुक्त वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उससे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसमें दो या दो से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उससे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ये संयुक्त वाक्य और तथा फिर या
बहुत बीमार था। यहाँ पर व्याधिकरण वचक है जो, तो जब हम मिश्रित वाक्य में बदलते हैं सरल वाक्य को तो व्याधिकरण वचक के द्वारा उसे जोड़ा जाता है। आगे सरल वाक्य, मोहन के स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चलने लगी, ये है सरल वाक्य। और इसका हम मिश्रित वाक्य में बदलेंगे, जब मोहन स्टेशन पहुंचा गाड़ी चलने लगी, तो ये है मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने का यहाँ पर नियम बताया गया है। दो वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, सरल वाक्य मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा, इसका मिश्रित वाक्य होगा मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। दूसरा वाक्य है सरल वाक्य, मोहन के स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चलने लगी, तो इसका मिश्रित वाक्य होगा जब मोहन स्टेशन पहुंचा गाड़ी चलने लगी। तो आज हमने देखा रचना के आधार पर वाक्य के लिए, रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहले हमने देखा सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।